rules are formulated to release active drug immediately, to obtain and complete systemic and complete systemic absorption of drug. Done? Final year? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो मैं समझाती हूँ. कन्वेंशन आपने लिखा है, कन्वेंशनल ड्रग प्रोडक्ट्स जैसे कि टैबलेट्स एंड कैप्सूल हैं. कन्वेंशनल मीन्स नॉर्मल, ठीक है. नॉर्मली आजकल जो टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स सभी टेक करते हैं, ठीक है. क्यों करते हैं? ताकि आपको रिलीज या ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोड्यूस हो जाए, आपको थेरेप्यूटिक इफेक्ट उसका जल्दी से मिल जाए, ठीक है. सिस्टमिक रिलीज मीन्स स्लोली आपकी बॉडी में उसकी ADME हो, ठीक है, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट आपको उसके पीक लेवल तक प्रोड्यूस हो. इस वजह से हम क्या करते हैं, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, ताकि आपकी जो ड्रग है वो स्लोली आपकी बॉडी में रिलीज हो और अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट पीक लेवल तक, मींस ऑप्टिमम लेवल, जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है वो प्रोड्यूस कर सके. अगर फाइनली क्या होता है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन किस चीज़ का होता है, सिर्फ इंजेक्शंस का होता है ओनली, ठीक है. टैबलेट्स का तो नहीं होता, कैप्सूल्स का नहीं होता, क्योंकि उनके ADME होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है. उनकी क्या क्या प्रोसेस होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, ये सभी प्रोसेस के अंडर उनकी ADME होती है. फिर क्या होता है, टिश्यू रीएब्जॉर्प्शन होता है, टिश्यूज़ में जाके वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक. उसके बाद अगर आपकी बॉडी में कुछ ज़्यादा अमाउंट रह जाए ड्रग की, ठीक है, तो वो क्या करने लगती है, कुछ टाइम के बाद अगर आप कॉन्टीन्यूसली ड्रग लेते जा रहे हो तो उसको टॉक्सिक इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. तो हमने ये जो CDDS है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसलिए अडॉप्ट किया है ताकि अगर आप कोई ड्रग लेते हो, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो कैप्सूल हो, आपकी बॉडी में धीरे धीरे एक सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, स्लोली रिलीज हो और उसका पूरा इफेक्ट आपको मिले और टॉक्सिक इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो कम से कम हों. इज इट क्लियर? बी फॉर्म फाइनल ईयर? ठीक है बेटा, रिस्पॉन्स देते रहना अगर समझ आ रहा है तो, ठीक है. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नीचे लाइन में लिखो, कंट्रोल्ड रिलीज डोसेस फॉर्म्स. कंट्रोल्ड रिलीज डोसेस फॉर्म्स. इसमें लिखो आप, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड, इट कवर्स मीन्स ये क्या कवर करता है, एक वाइड रेंज, इट कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन फॉर्मुलेशंस. Prolonged action formulations which provide continuous release. Okay. Write down, it covers a wide range. It covers a wide range of prolonged action formulations.
formulations which provide continuous release of their active ingredients at a predetermined rate and time. तो इसका क्या मीनिंग है कि हमने जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इसके अंडर क्या होता है कि बहुत सारी ड्रग्स कवर हो जाती हैं, जिनका क्या होता है कि स्लोली इफ़ेक्ट होता है और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन यानी कि थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें मिलता है। इस वजह से इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनका इफ़ेक्ट बॉडी में बहुत टाइम तक रहता है। आपने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है कि वीकली वन टैबलेट होती है, आई थिंक फ्लूकोनाजोल की होती है वो, तो वो वन वीक में एक ही टैबलेट क्यों लेनी होती है, क्योंकि वो किस कैटेगरी के अंडर आती है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, ताकि उसका ऑप्टिमम इफ़ेक्ट भी मिल जाए और वो हमारी बॉडी में स्लोली रिलीज होती रहे, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसलिए होता है क्या कि अगर हम जो है फ्लूकोनाजोल को ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे या फिर टाइमली लेते हैं, जैसे दिन में 3 बार टैबलेट लेनी होती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए और उसके इफ़ेक्ट को स्लोली प्रोड्यूस करने के लिए लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वीकली एक ही टैबलेट वो ली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लूकोनाजोल की टैबलेट है, आई थिंक अल्बेंडाजोल है, जो पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, वो भी वीक में एक बार ही ली जाती है, वो भी इसी कैटेगरी के अंडर आती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि CDDS के अंडर आती हैं, उनका ऑप्टिमम इफेक्ट इसीलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में वन वीक तक या जितने टाइम तक उनका ऑप्टिमम लेवल रहता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में स्लोली रिलीज़ होती रहती है। वो हमारी बॉडी में जाके जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर जाके रीअब्जॉर्प्शन हो जाती हैं और स्लोली अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती रहती हैं। जो टाइम हमने सेट किया, आपने लिखा ना एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड टाइम, तो जितना टाइम में हम चाहते हैं कि हमें एक हफ्ते तक इस ड्रग का इफ़ेक्ट मिले, तो वो प्री डिटरमाइंड रेट एंड टाइम पे अपना इफ़ेक्ट हमें प्रोड्यूस करती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो ए वराइटी ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स, ए वराइटी ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स डिजाइंड विद थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक properties of the drug। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि कंट्रोल ड्रग रिलीज जो है वो हम किस लिए डिज़ाइन करते हैं, ताकि हमें उनका जो है फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट द बॉडी बिहेव विद द ड्रग, एंड फार्माकोडायनेमिक क्या होता है कि ड्रग आपकी बॉडी के साथ कैसा बिहेव करती है, ठीक है, और उसका क्या फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होगा, उसका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट कितना होगा, थेरेप्यूटिक इंडेक्स लेवल कितना होगा, टॉक्सिक इफ़ेक्ट कितने मिनिमाइज़ किए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने CDDS को क्या किया है,
प्लान किया है कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंडर ये ड्रग्स आनी चाहिए और हमें ऑप्टिमम लेवल तक उसका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में लिखो नीचे, मेजॉरिटी ऑफ दीज फॉर्मुलेशंस, मेजॉरिटी ऑफ दीज फॉर्मुलेशंस आर डिज़ाइंड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉमा पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉमा ऑक्यूलर इंसर्शन। पेरेंटल रूट मीन्स अदर देन ओरल रूट, जैसे IM हो गया, IV हो गया, सबक्यूटेनियसली, इंट्रावेनसली, ठीक है, ये सब पेरेंटल में आते हैं। एंड ऑक्यूलर इंसर्शन मीन्स आई प्रेपरेशंस, ठीक है, जो आईज के लिए यूज होते हैं। एंड फोर ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन मीन्स विच आर अप्लाइड ऑन द स्किन, ठीक है। तो इन सभी रूट्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी जो ड्रग्स हैं उनको यूज़ करते हैं। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्यूलर भी, ट्रांसडर्मल भी एंड ओरली भी। ये सभी रूट्स के अंडर हमारी कंट्रोल इज ड्रग फॉर्मुलेशंस तैयार हो चुकी हैं और हम उनको यूज़ करते हैं। क्लियर है? बी फॉर्म फाइनल ईयर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दी सिस्टम्स is to extend the duration of action, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है, जैसे कि मैं पिछले बहुत 5-10 मिनट से एक ही चीज़ बताई जा रही हूँ कि हमें उसका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट जो है लॉन्ग टाइम तक मिलना चाहिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा मेन यूज़ तो यही है CDDS का। CDDS इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, कि हमें उसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है किसी भी ड्रग का, चाहे वो पेन किलर है, चाहे वो एंटीबायोटिक है, चाहे वो डायूरेटिक है, चाहे वो एंटी हाइपरटेंसिव, चाहे वो एंटी डायबिटिक है, किसी भी कैटेगरी की ड्रग है, कि हमें उसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा टाइम तक रहना चाहिए हमारी बॉडी में। मीन्स अगर कोई हम ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट 10 मिनट तक रहता है, अगर हम उसे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंडर लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है 5-10 घंटे बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें जो ड्रग है उसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो बढ़ाना है। क्लियर है बच्चे? फाइनल ईयर, यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट नीचे हेडिंग में लिखो एडवांटेजेस, कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ सीडीडीएस। फर्स्ट पॉइंट में लिखो इम्प्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस। तो फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग क्या है कि पेशेंट को जो है प्रॉपर गाइड करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको काउंसल करने की, कि उसको समझाना पड़ेगा कि आपको ये मेडिसिन खाना खाने से पहले लेनी है या खाना खाने के बाद लेनी है या हाफ टैबलेट लेनी है या पूरी लेनी है, ऐसी किसी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। उसको ये बताना ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 2 घंटे बाद लेनी है, ये 4 घंटे बाद लेनी है, या इसकी आपको 2 ड्रॉप्स लेनी है या पूरी 5 ml लेनी है, 10 ml लेनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ठीक है, इसमें क्या है, वीकली आप लेते हो और उसका पूरा वीक उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट स्लोली आपकी बॉडी में रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखा है इम्प्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस, कि जो पेशेंट है उसका कंप्लायंस हो जाता है, वो इम्प्रूव होता है, उसको समझाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इसे बार बार नहीं लेनी पड़ेगी दवाई, ठीक है, तो आसानी से समझ आएगा। सेकंड पॉइंट पे लिखो रिड्यूसिंग डोजिंग फ्रीक्वेंसी, रिड्यूसिंग डोजिंग फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर वीकली पेशेंट उसे ले रहा है तो उसे ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसे 4 घंटे बाद फिर से लेनी है या 3 घंटे बाद फिर से मेडिसिन लेनी है, तो वो जो डोसिंग फ्रीक्वेंसी है, टाइम इंटरवल है, वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है, वो सारा ख़त्म हो गया, रिड्यूस हो गया। अब उसे पता है कि मुझे ये 2 दिन बाद लेनी है या 4 दिन बाद लेनी है या हफ्ते बाद लेनी है, तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी और टाइम इंटरवल है वो ख़त्म हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो मोर कंसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। मोर कंसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। थर्ड पॉइंट का क्या मीनिंग है कि मोर कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड, आपको मेडिसिन ली आपने, फिक्स्ड उसकी जो है अमाउंट कह सकते हो आप कि आपने एक ही टैबलेट ली है, ठीक है, एंड प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक इफेक्ट, और उसका जो है जो उसका असर है वो भी टाइम लेवल उसका भी बढ़ जाता है, और आपको बताया कि एक ही टैबलेट लेनी है, इट मीन्स मोर कंसिस्टेंट, उसका जो अमाउंट है वो भी फिक्स हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मोर कंसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक इफेक्ट। क्लियर है? बी फॉर्म फाइनल ईयर? यस मैम। एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है बेटा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में लिखो रिडक्शन इन हेल्थ केयर कॉस्ट, रिडक्शन इन हेल्थ केयर कॉस्ट। तो आपको अपनी हेल्थ की देखभाल के लिए भी ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपने दवाई ली वो एक हफ्ते तक काम करेगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप रोज़ दवाइयाँ लेते हो तो ज़्यादा खर्चा आएगा, अगर वीकली या मंथली लेते हो तो कम खर्चा आएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे, हेल्थ केयर कॉस्ट अपने आराम से कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट में लिखोगे राइट डाउन द फिफ्थ पॉइंट, डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी। डन? यस मैम। बच्चे एक ही स्टूडेंट जो है वो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, बाकी क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, ओके बेटा, रिस्पॉन्स देते रहा करो, मुझे ऐसा ना लगे कि जैसे मैं खुद को ही बैठ के देख रही हूँ यहाँ पे फ़ोन में या खुद से ही बातें कर रही हूँ, ऐसे लगता है फिर, ठीक है। तो आपने लिखा है डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, अगर आप डेली क्या करते हो, डोज लेते हो, ड्रग्स लेते हो, दवाइयाँ खाते हो, तो वो क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में होती है, उसके साथ एक पेन किलर होगा, एक मल्टीविटामिन होता है, एक एंटीबायोटिक होता है, और आई थिंक एक क्या लगाया जाता है, स्टीरॉयड लगाया जाता है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन वगैरह होता है उसके एगोनिस्ट इफेक्ट के लिए।
तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन जो है आपको डॉक्टर प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप वीकली कोई टैबलेट लेते हो तो उसमें सिर्फ एक ही टैबलेट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि चांसेस कम हो जाते हैं टॉक्सिसिटी के। अगर आप डेली 4-5 गोलियाँ खाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक टाइम ऐसा होता है कि उन दवाइयों का इफ़ेक्ट होना कम हो जाता है, आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाती है और उनका टॉक्सिक इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट लिखो, बेटर ड्रग यूटिलाइजेशन। आप जब एक ही ड्रग ले रहे हो और प्रॉपर सिस्टमेटिकली ले रहे हो तो ऑब्वियसली है कि आपकी वो बॉडी में वो ड्रग पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट लिखो, कंट्रोल्ड रेट एंड साइट ऑफ रिलीज। कंट्रोल्ड रेट एंड साइट ऑफ रिलीज, इस पॉइंट का मीनिंग है कि आप जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, आपने मैंने आपको अभी पीछे पॉइंट में बताया है कि जो अमाउंट है डोज की वो भी कम हो जाती है। इट मींस आप उस जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी है उसका रेट भी कंट्रोल कर रहे हो, मींस आप फिक्स्ड अमाउंट ले रहे हो ड्रग की एंड साइट ऑफ रिलीज। और आपको ये भी पता है कि वो जो ड्रग है, अगर आपने सोटिक्स में पढ़ा होगा इंटेरिक कोटेड होते हैं, तो स्पेशली वो क्या करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होती हैं। तो ऐसे ही जो हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो ड्रग आती हैं, इसके अंडर जो ड्रग्स आती हैं वो ऑन जिस साइट्स पे उन्हें रिलीज़ होना होता है वो उसी साइट पे चली जाती हैं वहाँ पे, और वहाँ से वो स्लोली रिलीज़ होती हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट में ये लिखा है कि कंट्रोल्ड रेट, हम उसकी अमाउंट भी फिक्स कर देते हैं, और साइट ऑफ रिलीज़ कि वो कौन से साइट्स ले हमारी बॉडी में धीरे धीरे रिलीज़ होती रहेगी और हमारे टिश्यूज़ में और हमारी ब्लड सर्कुलेशन में वहीं से धीरे धीरे रिलीज़ होकर हमारे हार्ट तक, लीवर तक चली जाएगी, फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा और पूरी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होकर अपना थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, एट पॉइंट लिखो, राइट डाउन द एट पॉइंट, मोर कंसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। मोर कंसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, आपको बताइए फिक्स्ड अमाउंट एंड बहुत ज़्यादा दिनों तक उसका जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलता रहेगा आपको। नाइन्थ पॉइंट पे लिखो, अ ग्रेटर सेलेक्टिविटी। ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ग्रेटर सेलेक्टिविटी, हम यहाँ पे क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन जो है वो ग्रेट है, क्योंकि आपने देखा होगा जो क्या होते हैं ओल्ड पेशेंट्स होते हैं बेटा, वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं ले सकते। अगर उनको ये कह दिए जाए कि आप 3 गोलियाँ भी रोज़ खाओ तो उन्हें वो भी मुश्किल लगेगा। उन्हें ये कह देंगे कि आपको 3 टाइम खानी है तो वो खाना ही भूल जाते हैं, या फिर उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सी खानी है। अगर हम उनको कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई मेडिसिन देते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा और उसका जो है फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि वो स्लोली रिलीज होता रहेगा, उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी ज़्यादा नहीं होंगे। और आपको पता है जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स होते हैं उनको जो है दवाइयाँ ज़्यादा सूट नहीं करती हैं। ठीक है, पता है ना सभी को, जो ज़्यादा एज्ड होते हैं वो ज़्यादा मेडिसिन खा ही नहीं सकते। वो होता है कि कई बार बोलते हैं ये तो बहुत गर्म दवाइयाँ हैं, ये हमें सूट ही नहीं होती है, या उनको फीवर हो जाता है, या उनको वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, या उनको डायरिया हो जाता है। तो उस केसेस में भी ये हमारे लिए एक ग्रेट सिलेक्शन है,
तो इसलिए हमने इस पॉइंट में लिखा अ ग्रेटर सेलेक्टिविटी, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा उनको मेडिसिन देना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेज की तो हमने बात कर ली, ठीक है, अब इसमें क्या क्या कमियां हैं अब उनको भी पढ़ना चाहिए। सो राइट डाउन हेडिंग डिसएडवांटेजेस ऑफ CDDS यानी कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। डन, हेडिंग डाल ली सभी ने। फाइनल ईयर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखो डिसएडवांटेज में, लिखो इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी। अमंग डोसेज यूनिट्स, अमंग डोसेज यूनिट्स। वेरिएबिलिटी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस आता रहता है, बदलाव आता रहता है, इसलिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। पेशेंट क्या सोचते हैं, अरे मैंने एक हफ्ते में एक ही दिन दवाई ली थी, अब एक हफ्ते की छुट्टी हो गई, अब मैं क्या करता हूँ, फिर अगले महीने ले लूँगा, ऐसे सोचता है ना, अगले महीने लेके एक हफ्ते की फिर से छुट्टी हो जाएगी, तो ऐसे कहते हैं कि उसमें वेरिएशंस आती रहती हैं, तो उसका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट कैसे मिलेगा पेशेंट को, तो इन ये भी एक डिसएडवांटेज है। एक हफ्ते तक उसने एक दिन मेडिसिन ली, वो वन वीक तक काम करेगी, अगले हफ्ते पेशेंट लेना भूल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी गैप आ गया ना टाइम इंटरवल में, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कि ये एक डिसएडवांटेज है। सेकंड पॉइंट पे लिखोगे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्यों होती है, क्योंकि जब कुछ फिक्स्ड ही नहीं है, पेशेंट भूल ही गया लेना, तो वो पैटर्न जो है, वो सीक्वेंस जो था, वो नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट पे लिखो टॉक्सिसिटी ड्यू टू डोज डंपिंग। टॉक्सिसिटी ड्यू टू डोज डंपिंग। अब इस पॉइंट का क्या मीनिंग है, इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि पेशेंट क्या करता है, कि पेशेंट को कई बार बोला जाता है कि आपको ये मेडिसिन खाली पेट लेनी है, या फिर 2 घंटे बाद, या फिर 4 घंटे बाद, या फिर कई बार उसे बोला जाता है सुबह को खानी है, या फिर कई बार कहते हैं कि रात को खानी स्टार्ट करनी है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है कि डॉक्टर ने तो बोला था रात को खानी, अरे चलो मैं सुबह को खा लूँगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो ड्रग है वो आपकी बॉडी में जाके, ठीक है, उस पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, वो आपकी बॉडी में जाके क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और वहाँ से जिस टाइम उसे रिलीज़ होना होता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट के टाइम क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है ना, डाइजेशन होता है, वो बहुत ही फास्ट रेट पे होता है, अच्छे से होता है। अगर वो मॉर्निंग टाइम पे लेगा, फिर वो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाता रहेगा, तो उससे क्या होता है कि डोज के थेरेप्यूटिक इफेक्ट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और वहाँ पे वो अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाएगी ड्रग, वो आपकी बॉडी में ही रहेगी, और वहाँ पे उस ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब वो रिलीज़ ही नहीं होगी तो कंसंट्रेशन ज़्यादा ही होगी ना बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होता है, जब ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी तो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ड्रग रहनी नहीं चाहिए, वो रिलीज़ होनी चाहिए,
चाहे वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हो, चाहे वो आपके यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आए अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करके, जैसे भी हो वो आपकी बॉडी से, उसका एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है तो वो टॉक्सिक इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है थर्ड ईयर? Yes, ma'am. समझ आ रहा है? ठीक है बच्चे, सेकंड सॉरी फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट पे लिखो इंक्रीज्ड कॉस्ट। इंक्रीज्ड कॉस्ट। अब ऐसी मेडिसिन जो होती हैं उनकी थोड़ी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि महंगी हो जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट पे लिखो मोर रैपिड। मोर रैपिड डेवलपमेंट। मोर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। मोर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। भाई टॉलरेंस मीन्स सहन करना, ठीक है। अब ये तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कैसी है, वो एडल्ट है या ओल्ड एज फॉर्म में है, ठीक है। अगर एडल्ट होगा तो वो उसे इजीली टॉलरेट कर जाएगा किसी भी मेडिसिन को। अगर ओल्ड एज होगा तो वो हो सकता है उसकी बॉडी उस ड्रग को टॉलरेट ना कर पाए, ठीक है। डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे कि आप जो ड्रग दे रहे हो उसे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, ठीक है। सिक्स पॉइंट पे लिखो नीड फॉर एडिशनल पेशेंट एजुकेशन। नीड फॉर एडिशनल पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। डन, लिख लिया सभी ने? शाहरुख, स्वीटी, तुषार, इस पॉइंट का मीनिंग है कि पेशेंट को अब और ज़्यादा समझाना पड़ेगा कि एक हफ्ते तक एक ही खानी है, ठीक है, और भूल मत जाना। अगर वो भूल जाए तो उसको याद दिलाना है। तो यहाँ पे तो अगर वो रेगुलरली उस मेडिसिन को लेता या दो घंटे या चार घंटे बाद लेता तो उसकी हैबिट बन जाती कि हाँ मुझे लेनी है, उसके ध्यान में रहता। अब वीकली लेनी पड़ेगी उसे या मंथली लेनी पड़ेगी तो उसे और ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसे समझाने की ज़रूरत है, उसे याद दिलाने की ज़रूरत है कि तुम्हारी टैबलेट है, तुम्हारी दवाई है, नहीं तो वो भूल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है नीड फॉर एडिशनल पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो इसका मतलब उसे और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ती है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। सेवन्थ पॉइंट पे लिखो रिड्यूस्ड पोटेंशियल फॉर डोसेस एडजस्टमेंट। फॉर डोसेस एडजस्टमेंट ऑफ ड्रग्स नॉर्मली Administered in varying strength। इस पॉइंट का मीनिंग है कि हमें डोज कंफर्म करने की कि कितनी अमाउंट में पेशेंट को खानी है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको ये बताना ही नहीं पड़ेगा कि आपको इतनी दवाई तब खानी है, इतनी दवाई तब खानी है, तो हमें डोज एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एट पॉइंट पे लिखो रेट्रिवियल की स्पेलिंग है RETRIEVAL। रेट्रिवियल
ऑफ ड्रग इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी कॉमा पॉइजनिंग और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस लिख लिया सभी ने फाइनली मेरी आवाज़ आ रही है सभी को ठीक है बेटा इस पॉइंट का मीनिंग है कि रेट्रीवल का मतलब होता है कि ज़्यादा अमाउंट में उपलब्ध होना ठीक है कि कई बार क्या करता है पेशेंट कि सोचता है कि मुझे एक हफ्ते में एक गोली खानी है तो मतलब एक हफ्ते की छुट्टी हो गई एक हफ्ते तक मुझे कुछ नहीं कोई दवाई नहीं खानी तो वो क्या करता है एक हफ्ते में चार गोलियां खा लेता है वो सोचता है कि अब एक महीने की छुट्टी है मुझे एक महीने तक कोई दवाई नहीं खानी क्योंकि एक जो गोली है वो एक हफ्ते तक काम करेगी ऐसा ही होता है लेकिन उसने क्या किया वो जो चार गोलियाँ खाई हैं मीन्स उसने ज़्यादा अमाउंट में खा ली तो वो क्या करेंगी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस प्रोड्यूस कर देंगे उसकी बॉडी के अंदर तो ये भी एक डिसएडवांटेज है तो इन केसेस में हमें पेशेंट को बहुत अच्छे से समझाना है उसकी काउंसलिंग अच्छे से करनी है उसको डोज बतानी है कि आपको इतने दिनों तक एक ही गोली खानी है तो ये सब किसके अंडर आता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंडर आता है एम आई क्लियर टू ऑल समझ आया सभी को बोरिंग तो नहीं लगा थ्योरी पोर्शन है इसलिए पूछ रही हूँ ठीक है चलो अटेंडेंस बोल रही हूँ ठीक है